जय श्री श्याम दोस्तों। दोस्तों एमजी की तरफ से काफ़ी तगड़ी खबर निकल के आ रही है। एमजी ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो इंडिया के अंदर अपना एक और प्लांट एस्टेब्लिश करेगा गुजरात के अंदर। एमजी का कहना है कि वो अपनी एनुअल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है, 3 लाख व्हीकल्स तक वो इंक्रीज करेगा अपनी एनुअल प्रोडक्शन को। अभी की बात करें तो एमजी सिर्फ 1,20,000 व्हीकल्स ही प्रोड्यूस कर पाता है एनुअली, जो भी उसके रिसोर्सेज हैं या जो भी उसके प्लांट्स हैं। अब जो नया प्लांट डाला जाएगा गुजरात के अंदर, उसको मिला के 3 लाख यूनिट्स पर ईयर एनुअली की बात कर रहा हूँ मैं, एमजी बना पाएगा, हमें डिलीवर कर पाएगा। अब अगर देखा जाए तो एमजी की गाड़ियों पे अक्सर आपको वेटिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल जो रेगुलर व्हीकल है एमजी का बिकने वाला, उसके ऊपर भी आपको 1.5 से 2 महीने की और कई बार तो 5 से 6 महीने तक की वेटिंग देखने को मिलती है। इस वेटिंग को थोड़ा सा कम करना चाहता है एमजी और एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गुजरात के अंदर। एमजी का कहना है कि वो ईवीज़ के ऊपर भी काफ़ी काम कर रहा है और जो गुजरात के अंदर नया प्लांट लगा जाएगा वो सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ाएगा, उसके साथ साथ ईवी के ऊपर भी एक अच्छा, मतलब ईवी के ऊपर भी उस प्लांट के अंदर काम किया जाएगा। और एमजी का ये भी कहना है कि वो वहाँ पे एक असेंबली यूनिट सेट करेगा ईवीज़ की, जो कि आने वाले समय में ईवीज़ की प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एमजी की। एमजी का ये भी कहना है कि 2028 तक वो करीब करीब अपनी जो ईवीज़ के अंदर है कम से कम भी 5 से 6 गाड़ियां निकाल और उतारेगा 2028 तक। और जो इंडिया में उसका जो पोर्टफोलियो ईवी का जो पोर्टफोलियो है वो एमजी का 65-75% तक रहेगा, यानी कि आने वाले समय में हमें एमजी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा ईवीज़ को देखने का मिल सकता है, क्योंकि ईवीज़ के ऊपर भी एमजी काफ़ी काम करता है। हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा एमजी ने अपनी एक और गाड़ी को, मतलब कोमेट को लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी पसंद कर रहे हैं इंडिया के अंदर लोग और काफ़ी कम कीमत पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब अगर बात करें आने वाले समय में तो 2028 तक जो है वो भाई 4 से 5 ईवीज और ले आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाले 1 या 1.5 साल 2 साल के अंदर फोर्ड भी एंट्री दोबारा से मार सकता है इंडिया के अंदर ईवीज के सेक्टर में। तो आने वाला समय जो है भाई वो ईवीज का ही है, पेट्रोल डीजल की तरफ लोग नहीं जाएंगे। अच्छी रेंज भी मिला करेगी, डेवलपमेंट काफ़ी स्पीड से हो रहा है, जो है इन्वेंशंस वगैरह भी किए जा रहे हैं काफ़ी सारे। तो देखना होगा कि यार अपना जो फ्यूचर है वो कैसा होता है ईवीज़ का। आप अगर कोई ईवी गाड़ी चलाते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, या आप कोई ईवी खरीदना चाहते हो तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये जानकारी आपको एमजी की तरफ से कैसे लगी ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।